एक्चुअली मैं शादी डॉट कॉम के थ्रू से मैंने अपना ये डाला था मैरिज प्रपोजल, तो शादी डॉट कॉम से वहां से प्रपोजल आया था मेरे लिए। तो जब फोन नंबर एक्सचेंज हुआ उसके बाद मेरे घर पे आए, बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद में मैरिज का डेट फिक्स हो गया और यहाँ पर दिल्ली में शादी हुई है, आर्य समाज मंदिर जनकपुरी। उसके बाद मैं यहाँ पर दिल्ली ही थी, कभी आते थे नहीं आते थे। उसके बाद बहुत ये करने के बाद में मैं खुद उड़ीसा गई। हाँ जी, वहां पर मैं रहने लगी तो मुझे पहले पता चला कि इनकी ऑलरेडी टू वाइफ्स है। इनकी कोई काम करती थी एक लड़की, उसने फोन करके बताया था मुझे, हाँ, कि आपने जिससे मैरिज कर रखी है ऑलरेडी, मैंने 2 बार मैरिज कर चुके हैं जी। वो सारे शादी में खर्च हुए थे, जो भी हुआ है। गुरुद्वारा में मेडिकल कॉलेज के नाम से कि मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काम दिया गया था डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ये हेल्थ डिपार्टमेंट। एक्चुअली मैं जांच नहीं किया इस हिसाब से कि मेरे पास में कोई गार्जियन है नहीं, फादर बहुत अर्ली एक्सपायर कर गए थे और मैं अकेले इस चीज को देख रही थी। तो जो भी आईडी वगैरह दिया गया तो गवर्नमेंट का पूरा आईडी मतलब था, दिखा रहा था कि ये गवर्नमेंट आईडी है, मैं डॉक्टर हूँ, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट वगैरह सारा कुछ दिखाया गया और अनमेरिड हूँ ये चीज बताया गया। तो इसी बात पे हमें लगा, और मोस्टली आई थॉट दैट द पीपल ऑफ ओडिशा आर वेरी दैट एज माई चाइल्डहुड इज मोस्टली इन ओडिशा, सो आई थॉट दैट पीपल ऑफ ओडिशा आर वेरी इनोसेंट, दे नेवर चीट टू पीपल, और मेरे माइंड में ये कॉन्सेप्ट था। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, ताकि आगे लोगों का लाइफ रुइन होने से बच जाए, और जो लोग भी इस चीज को देख रहे हैं समझ रहे हैं तो उनको भी कुछ भी अगर मैरिज भी करें तो वो सोच समझ करके बहुत अच्छा स्टेप लेकर के मैरिज करें।